तो चार राज्यों के नतीजे आपके सामने हैं, जिसमें तीन में बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है और इनमें सबसे बड़ा राज्य विधानसभा सीटों के लिहाज से मध्य प्रदेश, 230 सीटें जिसमें 157 बंपर जीत बीजेपी को मिलती है। तस्वीर देखिए जरा, शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों एक ही तस्वीर में, एक ही फ्रेम में, और अंदाज देखिए जरा किस तरीके से एक दूसरे से बात करते हुए बिल्कुल दोस्तों की तरह। ये जो तालमेल है कहीं ना कहीं ये वजह इस जीत की। देखिए, मैं ये मानता हूं कि मोदी जी लचीले राजनेता हैं, उनकी राजनीतिक रणनीतियां लचीली होती हैं, इसीलिए वो कामयाब भी होती हैं। मुझे लगता है, मैं प्रदीप जी की बात से भी अपने आप को सहमत प्रतीत करता हूं और विजय भाई की बात को भी। इस तस्वीर का मायने क्या है? इस तस्वीर का मायने ही बताने जा रहा हूं मैं। इस तस्वीर का मायना है कि मध्य प्रदेश के नेता भी सोच रहे हैं कि बहुत संभावना यह है कि शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। क्या तस्वीर के मायने क्या है? सबको साथ लेकर चलने की जो नरेंद्र मोदी की नीति है, और वो कभी भी इसमें ये नहीं है कि बिल्कुल अड़े रहेंगे किसी बात को लेकर, ये एक दिखाई दे रहा है। और जो जनरेशनल चेंज है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि पार्टी ने जितने भी लोग जो जरूरत के हो सकते हैं उन सबको मौका देकर ये जीत हासिल की। शिवराज सिंह चौहान को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान भी तो आया ना कि हम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव जीते हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री कौन? क्या इस सवाल का जवाब तस्वीर से मिल रहा? देखिए, तीन दिन से जितनी मुलाकातें शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया की हुई हैं, 6 से ज्यादा बहुत जाती मुलाकातें, तो लोकसभा चुनाव में नेतृत्व पे उस पर भी ध्यान रखा जाएगा। जल्दी से हम सुना देते हैं दर्शकों को, दिग्विजय सिंह, माफ कीजिएगा, शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं कार्तिकेय, उनसे खास बातचीत की है हमारे सहयोगी ब्रजेश राजपूत ने। जरा सुनिए, पिता के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है और ये जो बंपर जीत बीजेपी को मिलती है, इस पर क्या कह रहे हैं? मैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण, सैकड़ों हमारी करोड़ों लाडली बहनों के कारण आज मध्य प्रदेश में इतिहास रच दिया गया है, और इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूं। इस बड़ी जीत की उम्मीद थी कि बंपर जीत है, पांचवी बार बीजेपी की सरकार, हमें बड़ी जीत की उम्मीद थी लेकिन इतना आशीर्वाद लाडली बहनों का मिलेगा ये तो बड़ी जीत है, बंपर जीत है। और शिवराज सिंह चौहान के बेटे कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीत मिली है, लेकिन ये तस्वीर जिसमें एक ही फ्रेम के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान। 2020 में शिवराज सिंह चौहान जी को सिंधिया जी की जरूरत थी और 2023 में सिंधिया जी को शिवराज जी की जरूरत है, ये मिलन वही एक राजनीतिक। बिल्कुल दिबांग, आपकी नजर में तस्वीर के मायने? मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ रहा, मैं समझ रहा हूँ कि औपचारिकता है, वो वहाँ पर जीते हैं इसलिए उसको बधाई देने के गए हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होंगे। लेकिन नेतृत्व की बात जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की है कि साहब इनका नेतृत्व था उसमें चुनाव जीते हैं, उसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए कि सब लोग जानते हैं कि नेतृत्व अब चूंकि जीत हुई है तो नरेंद्र मोदी का ही नेतृत्व माना जाएगा। तो बेमानी हो जाती है बात? निश्चित तौर पर बेमानी हो जाती है, लेकिन ये तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में जो है वही मुख्यमंत्री बनेगा, बेशक वो 18 साल के CM रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि वही बन जाए, लेकिन संभावना है कि अब चूंकि 24 के चुनाव हैं तो इस तरह से एक झटके में शिवराज को खारिज नहीं किया। ठीक है, तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये जीत, बड़ी जीत और सेहरा जीत का किसके सिर पर सजेगा मध्य प्रदेश में। मैं आऊंगी मैम आपके पास। ABP News आपको रखे आगे।